नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नौकरियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी उच्च स्तर शिक्षा चयन आयोग तथा यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्षों के साथ इसको लेकर बैठक करी है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। 2022 के चुनावी तैयारियों में जुटी योगी सरकार अब जल्द प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार की बहाल लाने वाली है, जिसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी रूपरेखा भी तय कर ली है। सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर यूपी लोक सेवा आयोग, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी उच्चतर शिक्षा चयन आयोग तथा यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्षों के साथ इन आयोग के तहत विभिन्न पदों पर होने वाली भर्तियों के संबंध में बैठक करी। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा 74,000 पदों पर चयन के लिए भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए और इसके लिए संपन्न की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन पारदर्शी ढंग से किया जाए। उन्होंने कहा कि खराब छवि वाले विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बिल्कुल ना बनाया जाए। सीएम योगी ने बड़ी परीक्षाओं को मंडल स्तर पर और छोटी परीक्षाओं को जनपद स्तर पर आयोजित करने के संबंध में गंभीरता से विचार करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भर्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के समय अभ्यर्थियों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए अधिक दूरी ना तय करनी पड़े। उन्होंने कहा कि हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षाएं पारदर्शी ढंग से आयोजित की जाएं। योगी ने सभी आयोगों के अध्यक्षों से कहा कि शासन में जुड़े मामलों में संबंधित अध्यक्ष मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधा संपर्क करें और उसका तुरंत समाधान निकालें, ताकि भर्ती की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जाए। बता दें कि यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 30,000 पदों पर भर्तियां की जानी है, जबकि यूपी उच्चतर शिक्षा चयन आयोग द्वारा 17,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसी प्रकार यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा 27,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। योगी सरकार का यह फैसला न केवल शिक्षा में यूपी को आगे बढ़ाएगा, पर यूपी में रोजगार की बहार लेकर आएगा। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70,00,000 से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी, आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।